पूरे रायपुर समाज पर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अज कविंदर गुप्ता होने पर लांछन लाया कि जो पैसे लिए अस टोल प्लाजा पर गए और अस उसे ड्रामा दिता है युवा रायपुर सभा ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इमीजिएटली अस कविंदर गुप्ता होने पुछिए राजपुर समाज कहते पैसे है और इतने खाली राजपूत समाज की गल नहीं है सारा डोगरा समाज साढ़े कन्ना हा जेडे लोग साढ़े कन्ने टोल प्लाजा पर गए क्या तो सारे ही खरीदे दा हा सर सामने 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 अस सारा राजपूत समाज मेरा बिल्कुल विरोध करा गा और कविंदर गुप्ता ने आख एदा तो ही प्रूफ देना पाओ अगर साढ़े एक भी बंदे पर कोई प्रूफ करिए दसना कि इन्हें पैसा खाते का जो लांछन साढ़े पर लाया गया है तो मैं अपनी प्रधानगी पर रिजाइन देने वास्ते तैयार हाँ और कविंदर गुप्ता ने आखन दुए पर लांछन लाने वाला पहला अपनी छवि दिखनी चाहिए अपनी छवि साफ हो दुए पर लांछन लाना चाहिए और क्या कविंदर गुप्ता और कल ऐसे बीजेपी के नेता ने जेडे आते असं गलत किया उनके पार्टी के सारे दिग्गज नेता एम पी जुगल किशोर और आखते हैं कि रायपुर सभा ने जो काम किया वो सही किया है एक्स मंत्री श्याम लाल शर्मा और आखते हैं गंगा और आखते हैं सलाथिया साहब आखते हैं जरा काम राजपूत सभा ने किया बड़ा चंगा है और अच्छा काम किया है तो फिर कविंदर गुप्ता ने ऐसा कह लगे कि जरा अस गलत काम किया है यदा जवाब अज तक पुछके पुछके डोगरा समाज भी इन्होंने पुछग कि जरा गलत काम अहे किते दा इहदे विच डोगरा समाज साढ़े कन्ने है जां साढ़े कोला बाहर है इहदा जवाब जरूर कविंदर गुप्ता ने पुछग और जरा लांछन साढ़े पर लग्या है अस हर तरीके कविंदर गुप्ता ने पुछ के जी है कि जो लांछन लाया है क्या पार्टी की मर्जी कहना लग्या क्या बगैर पार्टी की मर्जी कहना लग्या यदा अस अध्यक्ष को भी जेडे साढ़े बीजेपी के अध्यक्ष ने अस उनके को भी इस चीज का पूछताछ करके कि जरा सा योग नीत है अस बीजेपी के हर एक व्यक्ति का पुतला फूक के और नए तरीके का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और कोर्ट में भी अस की सीट गए मैं फिर तो एक बार आखना अगर मेरे मे और मेरी टीम ने एक भी व्यक्ति पर इल्जाम क्लियर करी उड़ देना तो मैं अपनी प्रधानगी को रिजाइन देने वास्ते तैयार हाँ सर क्या कोर्ट का नोटिस भी जाएगा बिल्कुल जाएगा जेडिया साले पर अगर जेडे इल्जाम ला देना ओदे पर बिल्कुल जाएगा हर तरीके के नहीं लगे देखो आश्वासन दिते और प्रशासन भी गल आखे कि साड़ी जिहड़ी बर्दाश्त जिहड़ी बिल्कुल खत्म हुई हुई हुण और साडे पर लांछन लाना जिहड़ा स्टार्ट कीते ने प्रशासन भी आखे कि इस लांछन का तुस भी उनके कोला पुछो नहीं तो युवा रायपुर सभा जेड़ा लांछन साढ़े पर लग्या एदे वास्ते फिर तुसी 15-16 तरीक दे बाद फिर तैयार लभग और फिर टोल प्लाजा पर जाएगी ये साड़ी युवा रायपुर सभा की आवाज है और डोगरा समाज साढ़े कन्ने इकट्ठा है अस ओदे पर फिर युवा रायपुर सभा टोल प्लाजा पर जाने वास्ते तैयार है क्या दोबारा खरीदिया जाएगा युवा रायपुर सभा फिर जाएगी युवा राय को सभा अपने दम पर चली है अपने दम पर चलेगी क्या आपसे झूठ होगी कि जो आपने ट्रांसपोर्टरों के साथ एनएचआई के दफ्तर में जाकर जो मीटिंग की वो आपकी गलती है देखो कोई केड़ी गेम खेडदा है इहदे विच पता नहीं है लेकिन अस अपने लोकें वास्ते गए हैं क्योंकि लोकें दी हित दी गल ही उस ट्रांसपोर्टर कल्ले अजीत सिंह वास्ते नहीं अस गए हैं अस सारे ट्रांसपोर्ट वास्ते अजीत सिंह का कल्ले दा ट्रांसपोर्ट नहीं है
वो सारे जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका ट्रांसपोर्ट का सारे पीछे, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्राइक हुई 99% ट्रांसपोर्ट बंद हा, बस उनका साथ देने वास्ते गए हैं। युवा रायपुर सभा स्मार्ट मीटर का मुद्दा क्यों नहीं चुका गया? आसे तुसी पहले भी आख्या एक मुद्दा क्लियर होने के बाद युवा रायपुर सभा दूसरा मुद्दा चुकती है। साढ़ा जो टोल वाला मुद्दा क्लियर नहीं होया जिद पर अं लांच लगना स्टार्ट हो गए तो दूसरा मुद्दा हो चुके जिदा सा पहला क्लियर हो। नंदनी टोल लग्या 2.5 घंटे पेट्रोल का बचिया, अस इस गल भी आखने कि अगर 2.5 घंटे का पेट्रोल बचा तो टोल भी दिने होने। गल की नो रोड नो टोल वाली टोल तो पहले भी दिया रहे ना, कोई ने कोई इनकार किया था टोल देने वास्ते, लेकिन रोड टूटने वजह पुल टूटने वजह कने जिहड़ा टोल अस माफ कराना चाहते अज रोड जिहड़ा बन टोल प्लाजा वाला रोड है वो क्लियर है, टोल दिया रहे हैं अस, कोई इनकार थोड़ी किया कि टोल नहीं देना। कोई शायद इस चीज में कोई लगता है कि मैं आपने कि अस 20 साल लगातार सामने भाजपा टोल प्लाजा बोले कि दो गुटों में तब्दील हो चुके, जबकि भाजपा भी प्रदेश अधिकारी के हम समर्थन में है लेकिन कुछ नेता जो है उसको विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मी लगता है बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो वाला है, अगर इनके अपने अपने युवा राय को समझा कोई कसूर नहीं है।